कर्फ्यू में पुलिस ने कार रोकी तो बौखलाया कपल। महिला बोली, काटो चालान, मेरा बाप पुलिस में है। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिस कारण राज्य सरकारों को एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसकी वजह से राज्यों में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली राजधानी में एक जोड़े को ये पसंद नहीं आया। पुलिस ने जब उनकी गाड़ी रोकी तो कार में सवार महिला उनसे बदतमीजी करने लगी और पिता के पुलिस में होने की धौंस जमाने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, क्या कहेंगे इस तरह के महिलाओं पुरुषों के बारे में? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दरअसल वीकेंड पर लॉकडाउन में दिल्ली के दरियागंज में पुलिस ने बिना मास्क कार में कर्फ्यू के दौरान घूम रहे कपल को रोका। उसमें सवार थी एक महिला, वो जैसे ही बाहर आई वो आग बबूला हो गई और उसने पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी कर दी और सड़कों ड्रामा चलता रहा। सड़क पर महिला ने धौंस दिखाते हुए कहा कि मेरा बाप भी पुलिस में है, एक SI है, आ गए मास्क के नाम पर चालान मांगने भिख मंगे। पुलिस ने जब मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं इसको किस भी करूंगी, रोक सको तो रोक लो। सूत्रों के मुताबिक कपल के पास ना तो कर्फ्यू पास था ना ही फेस मास्क था। महिला ने पुलिस कर्मियों को अपशब्द भी कहे। आरोपी महिला ने कहा कि कोई कोरोना नहीं है, बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने थाने में महिला स्टाफ को बुलाकर उस कपल को ले जाया गया और आरोपियों पर 188 और 51B के तहत केस दर्ज किया गया। दोनों का चालान भी काटा गया। दोनों की पहचान पंकज दत्त और आभा यादव के तौर पर हुई है। क्या कहेंगे आप अपनी राय? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।